रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में ये ज़रूर ट्राई करें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पोटैटो ब्रेड रोल्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है। इफ्तार में बनाकर खाए सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसे हम फॉर्क की मदद से अच्छे से मैश कर लें। आप लोग चाहे तो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। मैं फॉर्क से ही अच्छे से मैश कर दी हूँ। इसी के अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज को कट कर लेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी कट करके ऐड कर लें और हरा धनिया पत्ता भी ऐड कर लें। इसी के अंदर सारे सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल लें, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स और इसी के अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा झटपट बन जाता है, ये ज़रूर ट्राई करें। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने मिल्क ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो सैंडविच ब्रेड भी ले सकते हैं। इसके कॉर्नर्स निकाल देंगे हम। इसी का ब्रेड क्रम बनाकर एक साइड में रख लेंगे। इसी तरह सारे ब्रेड के साइड्स निकाल लेंगे और ये वेस्ट होने नहीं देंगे हम। इसी का ब्रेड क्रम बनाकर इसकी कोटिंग करेंगे हम। इसी के बाद मैदे की स्लरी बनाएंगे। इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मैदे का आटा लिया है। इसी के अंदर 1/4 कप पानी ऐड कर ले और इसे अच्छे से पतला सा घोल बना ले। इस तरह से स्लरी बन गई है मैदे की। अब इसे एक साइड में रख देंगे और जो हमने ब्रेड के साइड्स निकाल कर ले लिया है इसको थोड़ा सा रोलर की मदद से थोड़ा सा बेल देंगे। अच्छे से पतली हो जाने के बाद इसके अंदर आलू मसाला डाल देंगे। इस तरह से स्प्रेड कर दे और एक साइड से रोल करने के बाद मैदे की स्लरी थोड़ी सी ऊपर से लगा देंगे। अच्छे से लॉक हो जाना चाहिए। जब हम स्लरी में डुबाएंगे इसके बाद ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। आप लोग इफ्तार में ज़रूर बनाकर देखें। और ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। इसी तरह रोल कर ले और अच्छे से बन चुका है। अगर आप लोग सैंडविच ब्रेड लेते हैं तो और अच्छे से बनता है। मैंने मिल्क ब्रेड लिया है। इसी तरह करके पूरे रेडी कर लिया है मैंने और ये मैदे की स्लरी में डुबाएंगे। इसी तरह एक लेयर मैदे की लग जाने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम में डाल देंगे। तेल को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। ब्रेड क्रम लगाने के बाद इसे हम डायरेक्ट तेल में फ्राई कर लेंगे। बस इसी तरह सारे ब्रेड रोल्स तैयार कर ले और इसे हम फ्रोज़न भी कर सकते हैं। एयरटाइट कंटेनर या बैग में डालकर इसे हम फ्रीज करके भी 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं। झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस इसे हम तेल में डालते ही 2 से 3 मिनट में ये फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं। लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें, नहीं तो ब्रेड क्रम ऊपर का जल जाएगा। बस इसी तरह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसे हम अलट पलट करते हुए पका लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बस इसी तरह करके मैंने पूरे ब्रेड रोल्स तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाकर देखें। और यहाँ पर मेरे पोटैटो ब्रेड रोल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इसे हम सर्व कर सकते हैं ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखें, मैं तोड़कर भी बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इफ्तार में बनाकर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।